लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कृष्णा पूनिया ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, विधायक शकुंतला रावत सहित कई कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। और इसी दौरान एवन टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा 5 साल के कार्यकाल में विफल रही है। 5 साल की उपलब्धियां गिनाने को कुछ नहीं है, इसीलिए मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। और इस दौरान पूनिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अधिनेश कसाना ने। रूप में कृष्णा पूनिया ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। कृष्णा पूनिया हमारे साथ है। मैडम, आज जयपुर ग्रामीण से आपने नामांकन दाखिल किया है, जनता के बीच भी आप लगातार जा रही हैं, कितना समर्थन मिल रहा है? बहुत समर्थन मिल रहा है, जनता विश्वास जता रही है, आशीर्वाद दे रही है और जयपुर ग्रामीण को कांग्रेस की पार्टी जीत रही है, ये मैं आपको बता। अगर मुद्दों की बात की जाए तो चुनावी मुद्दे क्या है जो आपके? चुनावी मुद्दे बीजेपी आप मैं तो ये कहना चाहूंगी कि नौजवानों से, जयपुर ग्रामीण की जनता से, देश की जनता से बीजेपी मुद्दों से भटकाने की कोशिश करेगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा उनकी हरकतें बदलती जाएंगी। मैं ये कहना चाहूंगी कि विकास के मुद्दे के ऊपर हम काम बात करना चाहते हैं, विकास के मुद्दे पर हम वोट मांग रहे हैं। तो ये थी कृष्णा पूनिया, साफ तौर पर जिनका कहना है कि मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा और जयपुर ग्रामीण की जनता का उनका प्यार आशीर्वाद पूरी तरह से मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजयनाथ मिश्रा के साथ दिनेश कसाना, एवन न्यूज, जयपुर।